अरब देशों में इस वृक्ष को शुभ माना जाता है और प्रायशः अपने आप होने वाले पेड़ों में, हालांकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह यहाँ का एक यह बहुत ही बड़ा यह उद्यान है दुबई का। इस दुबई के अंदर इस उद्यान को बहुत ही प्रयत्न से, कृत्रिमता से यहाँ लगाया गया है पेड़ पौधों को, तो परंतु यह खजूर के पेड़ यह अपने आप उगाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो यह बहुत ही यहाँ पर इसको शुभ भी माना जाता है। और इसका नाम भी जैसा कि मैंने बताया, इसको नखलेहा इधर बोलते हैं, और यह पिंड खजूर या खजूर का जो वृक्ष है, तो इसका हम पूरा भरपूर इसके औषधीय गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। और छोटे बच्चे जो रात को पेशाब करते हैं बिस्तर में, उनके लिए भी यह खजूर बहुत ही गुणकारी है। छोटा बच्चा है तो 2-3 खजूर को आप दूध में पका करके उस बच्चे को दे दीजिए, तो आप पाएंगे कि बच्चे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देंगे। खजूर को कूट करके, काला तिल को भून करके, और खजूर और काले तिल का भी कोई लड्डू जैसा, तो मिष्टान्न जैसा बना सकते हैं, उसको आप बनाएंगे तो उससे जो बच्चे हैं वह बिल्कुल रात को पेशाब नहीं करेंगे। हालांकि बिस्तर में पेशाब करने वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था, काला तिल का लड्डू जो है गुड़ में लड्डू बना करके खिलाने से भी वह पेशाब नहीं करते हैं। जिन बुज़ुर्गों को प्रोस्टेट की परेशानी की वजह से बार बार पेशाब करना पड़ता हो, उठ करके जाना पड़ता हो, उनके लिए भी यह एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। तो इस पिंड खजूर का आप सेवन करिए। तो यह एक पिंड खजूर, सिर्फ इसकी प्रकृति उष्ण है, गर्म है, इसके ये पित्त को बढ़ाता है, बाकी कफ रोगों के लिए, वायु रोगों के लिए, अर्थराइटिस आदि रोगों के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आइए यह खजूर को, इस खजूर के वृक्ष को हम सामान्य अन्न आहार का ही नहीं, एक औषधीय वृक्ष के रूप में भी इसको जानें। और अरब में यह शुभ है तो निश्चित रूप से आप अपने घर के आसपास लगाएंगे, तो यह भी आपके लिए शुभकारक होगा, लाभकारक होगा।